समस्या जो है अटकी हुई वो तो कोई सरकार नहीं, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तन। मोदी सरकार 3.0 के शपथ ग्रहण की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। जिन सांसदों को मंत्री पद की शपथ लेनी है उन्हें फोन आने लगे हैं। चूंकि बीजेपी को इस बार बहुमत नहीं मिला है इसलिए दूसरे दलों को भी ज्यादा कैबिनेट बर्थ देनी पड़ रही है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे से कोई आधार नहीं, अदर में जो है अटकी हुई वो तो कोई सरकार नहीं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जहां सपा को 37 सीटों पर जीत मिली है वहीं बीजेपी के खाते में 33 सीट आई है। इसके अलावा कांग्रेस को 6, आरएलडी को 2, अपना दल को 1 और आजाद समाज पार्टी को 1 सीट मिली है, जबकि बहुजन समाज पार्टी का खाता भी नहीं खुला। यूपी में कई केंद्र मंत्री हारे चुनाव, अयोध्या के लोगों के लिए अपशब्द बोलने वालों के खिलाफ एक्शन हो। सपा नेता बोले, इंडिया गठबंधन की सरकार आती तो देश श्रीलंका बनता, देवरिया एमपी का दावा। नीट परीक्षा में धांधली के आरोपों पर क्या बोले अखिलेश यादव, क्या अब सेंट्रल पॉलिटिक्स पर फोकस करेंगे अखिलेश यादव, सपा सांसदों से मिलकर आगे की रणनीति बनाएंगे अखिलेश यादव। पिछले चुनाव में बीजेपी को 62 सीट मिली थी, इस बार के चुनाव में बीजेपी को 29 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं अपना दल को भी 1 सीट का नुकसान हुआ है, जबकि आरएलडी को 2 सीटों का फायदा हुआ है, क्योंकि पिछले चुनाव में आरएलडी 1 भी सीट जीत नहीं पाई थी। इस बार यूपी में बीजेपी के कई मंत्री भी चुनाव हारे हैं, जिनमें अमेठी से स्मृति ईरानी, खीरी से अजय मिश्र टेनी, फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति, इटावा से रामेश्वर कटेरिया शामिल हैं। बीजेपी को 240, कांग्रेस को 99 पर जीत। वहीं अगर 543 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 240, कांग्रेस 99, समाजवादी पार्टी 37, तृणमूल कांग्रेस 29, डीएमके 22, डीटीपी 16, जेडीयू को 12, शिवसेना को 9, एनसीपी को 8, शिवसेना को 7, एलजेपी रामविलास को 5, वाईएसआरसीपी को 4, आरजेडी को 4, सीपीआईएम को 4, आईयूएमएल आप जेएमएम को 3-3 सीटें मिली है। इसके अलावा पवन कल्याण की जनसेना, सीपीआईएमएल, जेडीयूएस, आरएलडी, जेकेएन को 2-2 सीटें मिली है। कुछ पार्टियों को 1-1 और 7 निर्दलीय इस चुनाव में जीते हैं।